नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव में है, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना प्रचार जोरों से कर रहे हैं। आपको बता दें, रीवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का प्रचार प्रसार जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी रीवा विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में जनसंपर्क कर रहे और कहा कि सत्ता का बदलाव ही रीवा के विकास के बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने सुखदेव मंडप उपरहटी और खैरी में सत्या द्विवेदी के घर के पास जनसंपर्क कर वोट मांगा। जनसंपर्क के दौरान इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, दलित, पिछड़ों एवं समाज के कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखती है। ग्राम खेरी में आमजन को संबोधित करते हुए इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, जो भी घोषणाएं करते हैं उनको कभी पूरा नहीं करते। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों से अधिक भाजपा एवं बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैया, आज इस चुनावी सभा में हमारे लिए विवाद में यहाँ पर सब हमारे परिवार जी, नेहा जी और दीदी मई अर्चना जी, बॉबी जी, सभी हमारी सहयोगी बहने बैठी हैं और यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाहीगण मंडल से जहाँ जहाँ तक हमारी नजर जाती है भैया सभी लोग पधारे और मैं सभी का पुनः चरण वंदन करके आप सबको करा। भैया हम सबके बीच में आदरणीय नशे के गिरफ्त होते हैं, ये जो सरकार है हमारे भांजे हैं, हमारे भांजिया हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नंबर 2 से हमारे काकू तो है ही ब्लॉक अध्यक्ष है और हमारे